ही चीज की आवाज उठाने के चक्कर में भैया जी मनीष कश्यप जी अभी खा रहे हैं बड़े मोटे मोटे रोटी जेल में। और ये है हगने का जुगाड़। आपको बताए थे पहले कि बांसवाड़ी के यहाँ कि जैसे रेगिस्तान है उसी तरीके का नज़ारा मिलेगा इसमें। सिर्फ नमस्कार प्रणाम सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। अभी थोड़ा जा करके सूर्यदेव थोड़ा सा शांत हुआ है, दिखाई पड़ रहा होगा। इतना गर्मी था कि हद से ज़्यादा, लाइट भी नहीं है अभी और बांध पे हम लोग ऐसे घूम रहे हैं गर्मी में। तो नदी में जो है पानी हल्का हल्का भरना शुरू हो गया है और हम दिखाएंगे आप लोगों को हम लोगों के यहाँ का देसी जुगाड़, जो कि मछली मारने के लिए बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं धीमर। अभी बांध से उतर रहे हैं हम नीचे और हम नीचे का दिखाते हैं आपको कितना हाइट है बांध। देखिए बांध से उतरने में होती है परेशानी। और ये बांध के बगल में ये बना हुआ है और ये बांस का छोटा छोटा सा पेड़ जो लगाया हुआ है इधर। और ये है हगने का जुगाड़। आपको बताए थे पहले कि बांसवाड़ी के यहाँ में बिहार में तो अभी भी बाथरूम शौचालय बनने के बावजूद भी सब लोग वैसे ही करते हैं। तो हम चलते हैं नदी के तरफ, आप लोग देखिएगा तो लगेगा यहाँ कि जैसे रेगिस्तान है उसी तरीके का नज़ारा मिलेगा। इसमें सिर्फ बालू ही बालू है, आप चाहिएगा तो घर भी बना सकते हैं इस बालू से, प्लास्टर के काम में इस्तेमाल ले सकते हैं। तो जा रहे हैं नदी की तरफ। अभी इसका रूप बहुत छोटा है बिकॉज अभी पानी भरना शुरू हुआ, इस बार लेट हो गया, नहीं तो इस टाइम में पूरा ये जो है वहाँ बांध जो दिखाई पड़ रहा है बांध के लेवल तक रहता था पानी। इस बार गर्मी की वजह से पानी बहुत लेट आ रहा है। तो चलते हैं नदी की तरफ और वो सारा डंठा जो दिखाई पड़ रहा है बांध का कटाव के लिए। पहले ये अभी जहाँ हम खड़े हैं ये ओरिजिनल में यहाँ नदी था और 20 फीट से लेके 60 फीट तक गहराई यहाँ पे था। और ये जो बगल में जो बोरा डला हुआ देख रहे हैं ये कटाई बंद करने के लिए बोरा लगाया गया था, लेकिन इस बार थोड़ा सा नदी हट के किनारे में चले गया है और इसमें आ गया बालू। ये प्लॉट मेरा ही है, इसमें इस बार गेहूं लगाए थे, इसका भी ब्लॉग वीडियो देखना चाहिएगा तो आप जाके देख सकते हैं। वाले प्लॉट का जो गेहूं लगा हुआ था उसका भी ब्लॉग आप देख सकते हैं। तो जा रहे हैं नदी के किनारे में और दिखाते हैं आप लोगों को हम जुगाड़। ये है हम लोगों का देसी जुगाड़ जो आगे में एक जाल का पतवन लगा हुआ रहता है और ये आगे तक रहता है ताकि मछली, अभी तो पानी किनारे तक आ गया लेकिन वो जाल का नियम है कि उसको यहाँ तक रखना चाहिए किनारे तक, ताकि मछली आया इसमें ठोकर लग के धीरे 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 उसके अंदर जाना चाहिए। तो पानी बढ़ गया जिसकी वजह से यहाँ गया। ये बहुत सारा देख रहे हैं कितना सारा लगा हुआ है और ये छोटा सा नाव है जो कि इस किनारे से उस किनारे जाने में काम आता है। अब तो पानी बहुत स्पीडली बढ़ गया यार, पानी ऊपर तक आ रहा है। यहाँ मिट्टी का खनन का काम किया गया है देश को और गांव को बर्बाद करने का चक्कर। दिखाते हैं आप लोगों को कि किस तरीके से जेसीबी से मिट्टी काटा गया है यहाँ पे। देखिए यहाँ ये ऊपर है और इसको यहाँ गड्ढा कर दिया, बगल में वहाँ नदी है। इसको इसी तरीके से लगभग 20-25 बीघे का मिट्टी को काट के निकाल लिया गया है। देखिए वो पानी फिर अंदर आ रहा है इस गड्ढे में और यहाँ से बगल में है बांध। अगर बाई चांस ये ज़्यादा गड्ढा हो जाता है तो ये बांध भी कट सकता है, फिर महानंदा डिपार्ट बाद में रोते रहेगा कि बांध मेरा कैसे कट गया। तो गांव वाले खुद समझदारी करते नहीं हैं और एक दूसरे के ऊपर में थोपते हैं, लेकिन इस तरीके का नहीं होना चाहिए। खुद अपना समझदारी होना चाहिए कि किस तरीके से कौन काम किया जाए। कुछ पैसे कमाने के चक्कर में लोग इतने अपने आप में, यानी कि एक होता है कि पैर पे कुल्हाड़ी लगना और एक होता है कुल्हाड़ी पे पैर मार देना, वो होता है अपने बिहार में। और यही चीज़ की आवाज़ उठाने के चक्कर में भैया जी मनीष कश्यप जी अभी खा रहे हैं बड़े मोटे मोटे रोटी जेल में। तो यहाँ जो देखना है देखो, सिर्फ आवाज़ उठाना नहीं है, नहीं तो बगर छिले गाड़ में बांस हो जाएगा। ये सिस्टम है बिहार में, यानी जोरों का शासन और कुशासन दोनों एक साथ चलता है यहाँ पे। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर। तो मिलते हैं तीसरे ब्लॉग पे, आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।